हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हैरी के चेरी शहर में। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, स्टॉक सिलेक्शन, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किए जाए, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गाइस, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी पैसा बना रहा हूँ, आप लोगों को भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे लेवल्स पे पैसा बनाओ। और इतने पावरफुल है अब तक की इसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 99% है। तो चलिए स्टार्ट करें, पेपर पेन लेके बैठ जाना स्टार्ट करने से पहले। चलिए, सो कल जो हैरी के चेरी शेयर एपिसोड नंबर 16 में मैंने आपको दिए थे, टोटल 5 स्टॉक दिए थे, 5 में से 3 एक्टिवेट नहीं हुए। सन फार्मा एक्टिवेट हुआ, 21 रुपए की रैली दी हमारे बाइंग लेवल से, यानी कि 14,700 रुपए का प्रॉफिट है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। शिवा मिल्स क्लियर कट बोला गया था, बाइंग एंड सटरलैक्स खुलते ही सीधे बाइंग करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। और देखो आज शिवा मिल्स ऑलमोस्ट 6.5-7% पे क्लोज हुआ, जबकि सुबह सुबह इसका हाई भी जाके देखना सर, 148 पे एंट्री दी थी, मेड हाई 157.85। दिस इज पावर ऑफ किंग रिसर्च हैरी के चेरी शेयर्स। टोटल प्रॉफिट 24,550 रुपए का है। क्या आज भी पैसा नहीं बनाया भाई? और कैसे हेल्प करूं और किस तरह से आपकी मदद करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मैं इसके आज के जो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन जो कल आपको ट्रेड करना है, उससे पहले गाइस अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी हेल्प हो रही हो, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प नहीं हो पा रही है, जो लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हैरी के चेरी शेयर। अब एक जैकपॉट कॉल दूंगा लास्ट में। सबसे पहला एशियन पेंट, लास्ट क्लोज 33.62, बिलो 33.70, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओनली थिंग फॉर द सेल। इसके नीचे ही क्लोज हुआ है, बट डरना नहीं है, गो शॉर्ट, पैनिक अप टू 33.27, 33.10, ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा 33.96, 34.10 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। एयू बैंक की बात करूंगा, दूसरा स्टॉक, लास्ट क्लोज 1006, बिलो 996, थिंक फॉर सेल, यानी कि ठोको, टारगेट 956-941, ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 1021-1035। अपोलो हॉस्पिटल की बात करूं, लास्ट क्लोज जो है 4985, yes, something cooking very big in Apollo Hospital. Above 4956, it will zoom to kiss 5070-5130 का हमारा टारगेट रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस 4910 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रही है, मैं फिर बोलूंगा अभी के अभी लाइक बटन ठोको, और आपका एक लाइक और एक कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है। अच्छा, अब आई जैकपॉट कॉल की बारे, मेरे दोस्त NACL इंडिया, बाइंग एंड सेट रिलैक्स, ये मेरा हैरी का चेरी फेवरेट शेयर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबव 95, बाइंग एंड सेट रिलैक्स, इट विल ज़ूम टू किस 121-127, इसका स्टॉप लॉस 87 रहेगा, ग्रैब एट ओपनिंग इफ यू कैन, रिलैक्स फॉर 2-3 डेज, समथिंग कुकिंग वेरी बैड। ध्यान रखना, सुबह सुबह हम्बल रिक्वेस्ट है, एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करें। ये जो मैं शेयर दे रहा हूं, ये सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस है, एक्यूरेसी लेवल पर्पस है, कि भैया आप खुद देखो अगर हम लोग इतनी एक्यूरेसी लेवल दे सकते हैं तो आप सीख कर भी पैसा बना सकते हो। अब NACL इंडिया की बात अगर मैं बोलूं, गाइस अगर मेरा लेवल एक्टिवेट होता है, यानी कि 95 के ऊपर बोला हूं, तो सुबह सुबह 9:15 पे खोलो इस स्टॉक को और देखो कहां पे ओपन हुआ है। अगर काफी गैप अप खुल रहा है, यू शुड वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल, उसके हाई के ऊपर ही बाइंग करना है। अगर गैप डाउन भी खुल रहा है, यू शुड वेट फॉर 5 मिनट का कैंडल, यानी कि पहले 5 मिनट कैंडल आपको वेट ही करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है, चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, ध्यान रखें। और अगर प्राइस के आसपास खुलता है तो भी आपको 5 मिनट का वेट करना है। ये मैं अपना ट्रेड रूल का एक थंब रूल बता रहा हूं, इसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, पैसा झक मार के बन जाएगा, राइट? आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपकी हेल्प हो रही है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना है किंग रिसर्च को, क्या आप मेरे साथ हो, शेयर करो अभी के अभी, अगर आप मेरे साथ हो तो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो दोस्तों।